हेलो नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि आज अहिले चाहिँ हामी छु यो गीता आश्रममा, अनि यहाँभित्र चाहिँ जान्छु। यहाँ चाहिँ गाईहरू थुप्रो छ, अनि देखाउँछु हजुर। यो हो गीता आश्रम, यो हो आश्रमको गेट। अब हामी यो भित्र जाँदैछु, लिएर जाँदैछु भित्रतिर गीता आश्रम। यहाँभित्र चाहिँ गाईहरू थुप्रो छ अरे, हेरेर आउँछु। रोड में जो गाय एक्सीडेंट होता है ना, तो उसके लिए एम्बुलेंस हम लोग को गवर्नमेंट ने दिया है। कोई मालिक अगर निकल जाता है बाद में ले जाता है वो लोग, नहीं तो हम लोग के बिल्कुल सलाह। 1869 गाय आया है। 1869 पहले जब स्थापित हुआ था उस टाइम में जो पहला गाय आया था ना, वो गाय तो नहीं है, उसका जो बच्चा है वो अभी बड़ा हो गया, उसको खोल दिया। अच्छा, यहाँ पे पूजा करते हैं। अच्छा, यहाँ से पूजा कर सर, सबसे पहले ये आश्रम बने देखि बट श्री भारत माता एवं पद्म मणि। ये चाहिँ पार्क रहेछ, सानो पार्क। यहाँ चाहिँ यस्तो फुलहरू रोपेको छ। ए ए कुरिलो कुरिले होला यो है, यसको ठुसा छ, ठुसा। अच्छा, यो कुरिलो चाहिँ मतलब औषधि हुन्छ भनेर यहाँ लगाएको रहेछ। यहाँ यो हो कुरिलो, मतलब जडीबुटीहरूको बुट पनि लगाएको छ अरे कि यो पार्कमा, सानो पार्कमा। रहेछ यो चाहिँ के को बुट हो थाहा भएन। घिउकुमारी, अनि यता त स्नेक प्लान्ट। ओहो, कति मजाको, कति धेरै रहेछ भाइ। पिँडालु कछु, यो हो कछु पिँडालु। म देखाउँछु जुम्बा, यो हो सिउरी। अनि यहाँ चाहिँ मन्दिर, सानो मन्दिर। यो पोखरी, मैले उता उतातिर देखाएँ, पोखरी हो यो चाहिँ। यो आश्रममा हामी चाहिँ यतिकै घुसेको, केही पनि थाहा छैन के हुन्छ, हामी देखाउँछु। सबै सुतिरहेको थियो, हामी यहाँ कता पुरो उठेको छ। यी धान पराल र चाहिँ मेसिनले कति मसिनो बनाएर यसरी दिने रहेछ खानालाई घाँस। आयो आयो अनि त्यही हो गाई फार्म आश्रम। ए यहाँ त साह्रो रहेछ, कति ठुलो ठुलो गोरु, जर्सी गाई होला, ठुल्ठुलो गाई छ है। त्यतातिर पनि छ, श्री कृष्ण गौशाला। धेरै हो, हल्ला 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 चल्ला, सबै गाई खाना छ। यिनीहरूले खाना राख्ने ठाउँ चाहिँ यो परालको, पराल काटेर मेसिन ढुट्टो बनाएर दिने रहेछ खानाको लागि। हेर्नु कस्तो राम्रो छ गाईहरू। हेलो हेलो हेलो, अनि यति चाहिँ सानो सानो बच्ची। ओ माय गॉड, खाना पराले छैन नि। ओहो, त्यसको त बिचार खुट्टै के भयो रहेछ। ए यो मतलब उद्धार गरेको गाईहरू, कसैले दान गरेको गाईहरू, गोरु। यहाँ चाहिँ
तिना दिन का लगी कूड़ो कैसे पर लिया सही गाई गाई को लगी गाई घास यहाँ से गाय को लगी दाना पानी को स्टोर रहे यहाँ से गीता गौशाला मंदिर अति साना साना बुंट गाई को जो लगाता है ये लोग टैग ना ये इसका मतलब क्या है ये भैया ये सरकार का टैग है वैक्सीन का अच्छा वैक्सीन का टैग है गवर्नमेंट टैग अच्छा यहाँ से गोबर मल जैसे गाय को लगी पराल धान को पराल हो ये स्टोर रही उतर थुप्रो एकदम ठूल घर यहाँ पूरा पराल ये पराल काटने वाला मेसिन गाय को लगी इसमें काटे गाई सप्लाई करने भैया यहाँ गाई को लगी बना हम जी तो बच्चा लोग आते हैं खेलने के लिए इधर यहाँ पार्क तो बनाक रहे पार्क बनाक रहे इसमें अच्छा अच्छा हाँ शायद अच्छा एक घर कितना अच्छा से बनाया कति राम्रो घर बनाक रहे मतलब माटो के हो माटो र बाँसको घर हो यो चाहिँ अमला भूमि अमला ए इधर है ए पता है कुछ मुझे यहाँ इधर कितना होता है ये वाला कौन सा वाला ये वाला ये वाला हाँ ये वाला अच्छा बहुत होता है मे भी हम लोग का होता है लेकिन कहीं कहीं होता है लेकिन इससे क्या करते हैं हम लोग कान छेद करते हैं इससे ये बट हमने कान छेड़ दिए पहले पहले स्कूल को टाइम में ही हेर्नु यहाँ भित्र चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुँदो रहेछ गाईहरुको बाहिर गाडीहरुले मतलब हानेर कोही के भएर हुन्छ नि बिमारी सिमारी यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ भित्र ट्रिटमेन्ट गर्ने रहेछ ठुला दाना यहाँ चाहिँ दिदीले अच्छा रोटी दिन आउनु भएको रहेछ गाईको लिए है ट्रिटमेन्ट गर्दै अलि ठिक भयो नि यहाँ राख्ने रहेछ यसको बाद अब भैयाहरूले उतातिर पुर्याउने रहेछ यहाँ रहेछ बच्चाहरू यो हो श्री गीता आश्रममा गाईहरू हामी चाहिँ घुम्दा घुम्दै यहाँ पसिहालेको हामी यहाँको गीता आश्रमभित्र अनि कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यहाँको गीता आश्रमभित्रको गाईहरू यहाँ चाहिँ रोटीहरू दिनको लागि पनि आउने रहेछ बाहिरबाट हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको घर जाँदैछु बाई बाई।